गणेश, गणेश आज मुझे मत रोक, मैं दर्पण को हॉस्पिटल ले जा रहा हूं। मैं चाहे जो हो जाए दर्पण को कुछ नहीं होने दूंगा। एक बार उसे हॉस्पिटल पहुंचा दूं उसके बाद तुझे जो करना है मेरे साथ कर, लेकिन प्लीज प्लीज मुझे आज मत रोक, ले जाने दे इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। देवा ये काय को मेरे को टेंशन देते है, तू क्या मेरे सामने एक्टिंग करते है, है? तू मेरे को बोलना चाहता था ना फैक्ट्री में आग कौन लगा है, उधर तू काय को उधर रोड के ऊपर खड़ा हो गया है और गाड़ी के सामने आ गया है, इधर आके सो गया, मेरे सामने नाटक करते है तू? अभी मैं तीन तक गिनता है, तू मेरा जवाब नहीं देगा ना तो मैं तेरा बेटी को तेरा बाइको के पास भेजता है डायरेक्ट, मैं आज शपथ बोलता है भाई। अरे ये चीज़ जी क्या कर रहे हैं आप? मैं बात कर रहा है, वो मेरा सा... ये डॉक्टर मैं बोलता है उसको ठीक करने के। भाव भाव मशीन के बारे में बोल रहा था, देव जी की सांसें उसी के कारण चलती है, उसका बाहर निकल गया मशीन का। अच्छा जाएगा जाके ठीक करेगा। मैं एक बोलता है तेरे को जो कर सकते है वो भी करने का है और जो नहीं कर सकता है वो भी करने का, वो ठीक होना मांगता है। जी 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 सर जी सर। क्या है फाइनल जाने का है। अंदर नहीं आ सकते। देखिए डॉक्टर आपको जो करना है कीजिए, लेकिन उनकी जान को कुछ नहीं होना चाहिए। आप जैसे तैसे करके उनकी जान बचा दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। देखिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बस आप भगवान से दुआ करिए कि वो जल्दी ठीक हो जाए। प्लीज जल्दी जाके देखिए। उन्हें मारा है उसी इंसान ने जिसकी तुम पूजा करते हो, विश्वासराव पाटे। बहुत विश्वास है ना तुम्हें अपने उस भगवान विश्वासराव पर, तो जाकर पूछो उससे कि अचानक देव अंकल और कजरी आंटी कहां गायब हो गए।
दर्पण ने बाबा के बारे में जो कुछ कहा, क्या वो सच है? क्या बाबा सच में वैसे नहीं है जैसा मैं सोचता? जिस दिन मेरे को उस दर्पण का इन्फॉर्मेशन मिलता है ना, वो दिन उसका जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तुमने मुझसे कहा था ना राघव, विश्वास राव गुनहगार है, इस बात का क्या सबूत है मेरे पास? सच्चाई मैंने तुम्हारे सामने रख दी। आज मैंने देवका को देखा, सात साल हो गए यार। वो अपने माइको के साथ ऐसा रोड से ऐसा आता और एक्सीडेंट। ठीक हो जाएगी गणेश? नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा दर्पण को, उसे तो जीना होगा ना, तुम्हारे लिए और मेरे लिए। मेरी गलती की सजा दर्पण को नहीं मिल सकती। मैं मानता हूं कि मैंने दर्पण को जहर दिया था, लेकिन मैं उसे मानना नहीं चाह रहा था। मैं बस ये चाहता था कि वो ये बात मान ले कि उसने मेरी मां को मारा है, मैंने इसीलिए ये सब किया था। लेकिन उसने ये बात मानी नहीं। उसे पता था कि उसने जहर खाया, वो मरने वाली है, लेकिन उसने ये बात मानी नहीं कि उसने मेरी मां को मारा। मैं समझ ही नहीं पाया कि दर्पण ने ऐसा क्यों किया। जब वो ये बात जानती थी कि मैंने उसे जहर खिलाया, तो उसने मुझे क्यों बचाया? कोई खुद के हत्यारे को क्यों बचाएगा? जो खुद के हत्यारे को बचा सकता है, वो किसी की जान कैसे ले सकता है? दिल कहता है गणेश, शायद दर्पण ने मेरी मां को नहीं मारा है, शायद मैं अब भी आधे सच को ही जानता हूं।